आपण समस्त ग्वारगस न्यूज रा जगशक्ति कार्यक्रम को स्वागत करुछु। आज स्लीप एपिनिया रा द्वितीय अध्याय को आम स्वागत करुछु एवं किछि विषय आम उपरे चर्चा करिबा एवं अभ्यास करिबा। जमिति प्रथम अध्याय आम जानिलु स्लीप एपिनिया बा आमर निदर डिस्टर्बेंस बा निद को ठीक केमिति करा जाय परिबो, मुख्यतः देखुचु ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन जो ब्लड रे कम हवा द्वारा ए प्रॉब्लम हे थाय, किमिति ऑक्सीजन आमे बेसी बढ़े पारिबु एवं ठीक प्रमाण रखी पारिबु ब्लड रे रक्त रे, से पई किछ अभ्यास करिबु। असंत अभ्यास करिबा, छिड़ा हवा धीरे धीरे आमे जॉगिंग करिबा, धीरे रिदिम करिबा, रिदिम जॉगिंग करिबा, बॉडी को मोमेंट दबा, स्पीड दबा, गति दबा, धीरे धीरे अभ्यास को करिबा जति कि पारिबा। जमिति मु आगुरु कहिछि जदि आंठुरे किछ जंत्रणा अछि करि पारने तले हम बसि कि चेयर मध्ये अभ्यास को करि पारिबा, दुई गोड़ को ऊपर तल करिबा। नहले जदि आमे बैलेंस रहुनी आमे कांथर भरादी मध्य गुड़ को ऊपर तल करि पारिबा, बॉडी को रिदिम दबा, धीरे 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 ए अभ्यास को आमे गोटे मिनिट रु दुई मिनिट का तीन मिनिट पर्यंत करिबा, अबंग अभ्यास दृढ़ हेला परे आमे को पांच मिनिट मध्य करि पारिबा। किंतु आ मझिरे श्वास प्रश्वास को दीर्घ रखिबा, मझिरे श्वास प्रश्वास दीर्घ नउथवा, हार्ट बीट को मध्य नियंत्रण करिबा। हाथ को समांतर करिबा, पुणी सामना को आणिबा, ऊपर को करिबा, पुणी धीरे धीरे साधारण अवस्था को आणिबा। अभ्यास किस समय कला परे मुख धोती करिबा, नाक बाटे श्वास नबा, पाटी बाटे श्वास को छाड़िबा, तीन रु पांच थर करिया परे सीधा रहिबा। वर्तमान ललनासन ब्रीदिंग करिबा, श्वास नबा, पछ को जीवा, श्वास छाड़िबा, बॉडी को स्विंग करिबा, झुलेबा, नबा एवं छाड़िबा, स्विंग करिबा, दो तीन चार, आंठू सीधा रहिबा, पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंदर, धीरे धीरे सीधा रहा। जो मैंने बेस करें कोड़े पचीस तीस करेंगे, एक दीर्घ श्वास नवा ओंकार उच्चारण करवा, बर्तन अभ्यास करवा उत्थित जानुशिरासन दुई गोड़ मध्य व्यवहार व्यवधान दबा, आग को झुकवा एवं दुई हाथ को पछक नवा एवं पछक देखा, आंठू सीधा रहीक जापर निज सक्षम अनुसार दीर्घ श्वास प्रश्वास नवा छाड़ आंठू सीधा रकार उच्चारण करवा
धीरे धीरे विश्राम अवस्था को आसवा तड़ासन विश्राम करवा धीरे धीरे बसी जीवा वर्तमान आम संतुलन आसन आसन करिबा डाण पट मारिबा दुई अवस्था करिबा आम देखिनबा विश्वरंजन भाई और स्वाति दीदी केमिति करछन्ति यदि आपण पूरा सीधा रखि पारिबे हाथ को पूरा सीधा रखिबे एवं आंठू को बांकिबा नहीं पूरा शरीर को सीधा रखिबा स्लांटिंग पोजिशन यदि यही अवस्था रहूनी ताहले आम जमी स्वाति दीदी करमी करवा आम को हाथ को जंघ पर रखा एवं कहुणी पर भरा दबा किसी समय रहा दीर्घ श्वास प्रश्वास नवा छाड़ धीरे धीरे समाप्त करवा एवं अन्य साइड को करवा बाँ पटे करवा संतुलन आसन आम हाथ पर भरा दबा कि कहुणी पर भरा दबा हाथ को सीधा करवा कि हाथ को जंघ पर रखा किंतु आंठू को भांगा ना एवं बॉडी को एक संतुलन रखा बैलेंस रखा प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्यम स्थिरम चीरम सुखम आसनम पुणी आम साधारण अवस्था को आसी जा विश्राम करवा वर्तमान मेरु वक्रासन करिबा दुई गोड़ को जोड़ीबा दुई हाथ को जंघ पाख आणवा वर्तमान डाहन गोड़ को बाँ आंठू पाख रखा बाँ हाथ को पछक नवा एवं बाँ गोड़ को मोड़ी रखा मेरु वक्रासन आंठू सीधा रहा कांध को देखा दीर्घ श्वास प्रश्वास उपरे ध्यान दबा बाँ आंठू सीधा दीर्घ श्वास प्रश्वास उपरे ध्यान दबा परिवर्तन को अनुभव करिबा दीर्घ श्वास प्रश्वास परिवर्तन उपरे ध्यान दबा धीरे धीरे डाहाण हाथ को जंघ पाखक आणवा डाहाण गोड़ को सीधा करवा बाँ हाथ को बाँ जंघ पाखक आणवा बर्तमान अन्य पार्श्व करवा बाँ गोड़ को डाहाण आंठू पाखे मुड़ रखा एवं डाहाण हाथ को पछक नवा मेरुदंड सीधा करवा बाँ हाथ को डाहाण जंघ पाखे रखा एवं डाहाण कांध को देखा दीर्घ श्वास प्रश्वास नवा आ छाड़ डाण गोड़ आंठू सीधा मेरुदंड सीधा डाण कांध को देखा चेष्टा करवा दीर्घ श्वास प्रश्वास पर ध्यान दबा धीरे धीरे बाँ हाथ को बाँ जंघ पाख आणवा मुंड सीधा करवा बाँ गुड़ को सीधा करवा विश्राम अवस्था किस समय रहा धीरे धीरे शवासन विश्राम करवा वर्तमान आम आनंद बालासन करवा दुई गोड़ को ऊपर को नवा एवं बाहर पटे धरवा आंठू को छाती आड़ को टाणी धरवा दीर्घ श्वास प्रश्वास नवा और चढ़वा हस समूह दीर्घ श्वास प्रश्वास आनंद बालासन
तीस सेकेंड रु एक मिनिट दुई मिनिट पर्यंत ए अवस्था रहा। धीरे धीरे शवासन को आसवा, शवासन रे पूरा शरीर को विश्राम अवस्था छाड़ दबा। धीर श्वास प्रश्वास विश्राम शरीर को अनुभव करिबा। दीर्घ श्वास नबा, अकार उच्चारण करिबा। श्वास नबा शासन बा मकार उच्चारण करिबा। श्वास नवा ओंकार उच्चारण करिबा। धीरे धीरे दुई गोड़ को जोड़ीबा, दुई हाथ को जंघ पाख पाणीबा, डाहाण हाथ मुंड ऊपर को नवा, बाँ गोड़ को मोड़ीबा, बाँ हाथ को छाती ऊपर को नवा, डाहाण कड़ माड़ी सोइबा। धीरे धीरे जेकोसी ध्यान आसन रे बसिबा, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, सिद्धजन्यासन किंबा वज्रासन रे शरीर को ढीला छाड़ दबा, श्वास प्रश्वास गति उपरे ध्यान दबा, प्राणायाम अभ्यास करिबा, भस्त्रिक प्राणायाम। आमे श्वास छाड़ीबा आउ नबा दुईटा उपरे जोर दबा, जमीती कपाल भाती रे केवल छाड़ीबा उपरे जोर दौथरे, नबा उपरे नुहे, भस्त्रिक रे छाड़ीबा एवं नबा दुईटा उपरे आमे जोर दबा। इस समय शांत रहिबा, पुणि थरे भस्त्रिक प्राणायाम करिबा। हाथ को मध्य व्यवहार कर पारे, विश्राम करिबा, परिवर्तन को अनुभव करिबा। यदि आमर उत्तर आमर हाई ब्लड प्रेशर अच्छी किंबा एपिलेप्सी अच्छी आउ सीवियर बैक पेन अच्छी तार आमे धीरे धीरे करिबा किंबा करिबा नाही। नाड़ी शुद्धि करिबा, नासिक मुद्रा रे डाहा नाक बंद करिबा, बान आकर श्वास छाड़ीबा, बान आकर श्वास नबा,
बा नाक बंद कर डाण नाक श्वास छाड़ डाण नाक श्वास नवा डाण नाक बंद करवा बा नाक श्वास छाड़ पुणी बा नाक श्वास नवा बा नाक बंद कर डाण नाक श्वास छाड़ डाण नाक श्वास नवा डाणक बंद कर बानाक श्वास को छाड़ बर्तन आम भ्रमरी अभ्यास करवा 20-25 सेकेंड पर्यंत दीर्घ श्वास नवा जीभ को ताउर लगाइबा दीर्घ श्वास नवा जीभ को तालु लगाइबा बर्तमान ये ब्रह्मरी प्राणायाम को सन्मुखी मुद्रा करवा कान को बंद करवा बुढ़ा आंगुल दुई आंगुल को आखि ऊपर रखा और अन्य दुई आंगुल को उठा ऊपर रखा मुह बाटे श्वास नवा पुणि थर दीर्घ श्वास मुह बाट नवा काकी मुद्रा रे धीरे धीरे भ्रमरीर कंपन को मस्तिष्क समग्र शरीर अनुभव करवा शरीर सुस्थता को अनुभव करवा मानसिक शांति को अनुभव करवा नमस्कार मुद्रा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ॐ शांति शांति शांति। आपण समस्त को धन्यवाद। आमे यही दुई अध्याय रे स्लीप एपिनिया बा ऑक्सीजन कम होबा द्वारा निदर जो डिस्टर्बेंस हुए तापाई योगर कौन अभ्यास आम शिखिलु एवं आपको दैनंदिन अभ्यास कले निश्चित भाव में आमको जो मास्क ऑक्सीजन मास्क लगे पड़ी लगे दरकार नहीं छड़ा मानसिक शांति आमको मिल पार आसतु आज प्रश्न नवा आज प्रश्नकर्ता होती जोगेश भाई रायगढ़ जोगेश भाई बयस हूँ 19 वर्ष तर प्रश्न हूँ कान में झनझनाहट हो रिंगिंग सेनसेसन प्राय सविशेष आपण को रिपोर्ट हेल्थ रिपोर्ट नवा आवश्यक अच्छे साधारणतः आजिकल जो आम मैक्सिमम इयरफोन व्यवहार कर कम करवा कम कले भल ता छड़ा किसी अभ्यास कले भल साधारणतः हाइपर एक्टिव नर्वस जो बड़े हुए कान किसी खराब हेले कि बेसी इयरफोन यूज कले यही प्रॉब्लम होता है कि जब बहुत बेसी स्ट्रेस नौ था पारे कितु केत अभ्यास आम अध्याय करूँ
ଟିନାଇଟସ୍ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ କାନର କର୍ଣ୍ଣଶକ୍ତି ବିକାଶକ ଅଛି, ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନାକପଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ବାୟୁକୁ କପାଳରେ ରଖିବେ ମାନେ ଗାଲରେ ରଖିବେ, ଆଉ ଏୟାର୍କୁ ବ୍ଲୋ କରିବେ କାନ ପାଖକୁ। ବାୟୁକୁ ରଖିବେ ଗାଲରେ, ନାକକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଏୟାର୍କୁ ଫିଲ୍ କରିବେ କାନକୁ ବ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କାନର ଯେଉଁ ଏୟାର୍ ଡ୍ରମ୍ ଅଛି ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ସନ୍ମୁଖୀ ମୁଦ୍ରାରେ ଯେଉଁଟା କଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭ୍ରମରେ, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ପାଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଆର ଉପଚାର କରଣ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯୋଗେଶ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର କାନ ପାଖରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଏମିତି ଆପେ ଆପେ ଶୁଭୁଛି, ତ ଆୟୁର୍ବେଦଙ୍କର ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଆପଣ କାନ ପାଖରେ ଟିକିଏ ମାଲିସ୍ କରିବେ, ସୋରିଷ ତେଲ ଉଷୁମ କରିକି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାଲିସ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲରେ କର୍ଣ୍ଣପୂରଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଭଲ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆୟୁର୍ବେଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଶମୂଳ ତୈଳ ମିଳେ, ତ ସେ ଦଶମୂଳ ତୈଳ ଆପଣ ସେଥିରେ ବି କର୍ଣ୍ଣପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେଥିରେ ଆପଣ ସପ୍ତାହେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଉପଶମ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଶାଳାକ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଚିକିତ୍ସକ ENT ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।